आंशिक अवकलन में आयलर प्रमेय पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, यदि u बराबर tan इनवर्स x की क्यू प्लस y की क्यू अपॉन x प्लस y, तो सिद्ध करो कि x स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर बराबर साइन 2u 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर u। सॉल्यूशन u बराबर tan इनवर्स x की क्यू प्लस y की क्यू अपॉन x प्लस y, या tan u बराबर x की क्यू प्लस y की क्यू अपॉन x प्लस y। देखिए tan इनवर्स को इधर पक्षांतर कर दिया तो अब बचेगा, या इसे अब फलन के रूप में लिखेंगे y अपॉन x के रूप में, तो ऊपर से x की क्यू कॉमन ले लेंगे, नीचे से x कॉमन ले लेंगे, बराबर x क्यू इंटू 1 प्लस y की क्यू अपॉन x की क्यू x कॉमन 1 प्लस y अपॉन x, ये बराबर बच गया आपका x स्क्वायर इंटू 1 प्लस y की क्यू अपॉन x की क्यू 1 प्लस y अपॉन x। या tan u बराबर x स्क्वायर 1 प्लस y की क्यू अपॉन x की क्यू 1 प्लस y अपॉन x बराबर z, माना के। देखिए आंशिक अवकलन में मर गए बढ़िया रहे भाई। चलो अब वही तो यार जो गए तो बेकार भाइयों का। देखिए आंशिक अवकलन में आयलर प्रमेय पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि u बराबर tan इनवर्स x की क्यू प्लस y की क्यू अपॉन x प्लस y, तो सिद्ध करो के x स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x इंटू डेल y प्लस y स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर बराबर साइन 2u इंटू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर u। LHS लेंगे, टेकिंग LHS यानी दिया हुआ है आपको u बराबर tan इनवर्स x की क्यू प्लस y की क्यू अपॉन x प्लस y। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स को इधर कर दिया तो tan u x की क्यू प्लस y की क्यू अपॉन x प्लस y। अब इसे फलन के रूप में लिखेंगे, फलन है आपका f इंटू वाई अपॉन एक्स, तो वाई अपॉन एक्स के रूप में लिखेंगे, ऊपर से x की 3 कॉमन ले लिया, नीचे से x कॉमन ले लिया, और एक घात से का घात कैंसिल हो गई, x स्क्वायर 1 प्लस y की क्यू अपॉन x की क्यू 1 प्लस y अपॉन x। या tan u बराबर
एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई की क्यू अपॉन एक्स की क्यू वन प्लस वाई अपॉन एक्स बराबर जेड माना के। उपरोक्त दो घात का सम घात फलन है, समघात फलन है। अतः आयलर प्रमेय से आयलर प्रमेय से एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर टू जेड। देखिए जेड बराबर टेन यू के हो जाएगा, तो क्योंकि जेड बराबर टेन यू। उपरोक्त का एक्स तथा वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे एक्स और वाई के, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर पहले टेन यू का क्या, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर यू और यू का क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो इस तथा डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर सेक स्क्वायर यू डेल यू अपॉन डेल वाई। उपरोक्त मान समीकरण एक में रखने पर तो x इंटू sec स्क्वायर यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू sec स्क्वायर यू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर टू टेन यू। जेड का मान रख दिया, जेड बराबर है टेन यू के, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर हो गया sec स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर हो गया sec स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई। sec स्क्वायर यू कॉमन लेके उधर भेज दें, या एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर टू टेन यू अपॉन sec स्क्वायर यू बराबर टू साइन यू अपॉन कॉस यू इंटू कॉस स्क्वायर यू बटे एक बराबर टू साइन यू इंटू कॉस यू। एक कॉस यू कैंसिल हो गया, देखिए उपरोक्त मान समीकरण एक में रखने पर x
sec square u del u upon del x plus y sec square u del u upon del y बराबर 2 tan u sec square u कॉमन है इधर भेज दिया sin cos में तोड़ लिया बराबर हो गया 2 sin u into cos u या x del u upon del x plus y del u del y बराबर sin 2u समीकरण नंबर 2 समीकरण दो का x तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर x into del square u upon del x square plus del u upon del x plus y del square u del x del y बराबर 2 cos 2u into del u upon del x दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डेल स्क्वायर u डेल x स्क्वायर x डेल u अपॉन डेल x प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y बराबर 2 cos 2u x del u upon del x इसे इधर पक्षांतर कर देंगे x square del square u del x square plus xy del square u del x del y बराबर 2 cos 2u minus 1 into x del u upon del x समीकरण नंबर 3 तथा y square u del y square plus xy del square u del x del y बराबर 2 cos 2u minus 1 y del u upon डेल वाई समीकरण नंबर 4 समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर x स्क्वायर डेल स्क्वायर u
अपॉन डायलेक्सी स्क्वायर प्लस 2xy डायल स्क्वायर यू डायल एक्स डायल वाई प्लस वाई स्क्वायर डायल स्क्वायर यू डायल वाई स्क्वायर बराबर, ये कॉमन हो जाएगा दोनों में, 2 cos 2u माइनस 1 इंटू एक्स डायल यू अपॉन डायल एक्स प्लस वाई डायल यू अपॉन डायल वाई। देखिए समीकरण 2 का एक्स तथा वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर ये दो फलन है यू इंटू वी से कर दिया, इसका वाई कांस्टेंट हो जाएगा अचर है इसलिए केवल यू का कर दिया एक्स के सापेक्ष बराबर 2 cos 2, दोनों पक्षों में एक्स से गुणा कर दिया सरल कर दिया, इसको उधर पक्ष अंदर कर दिया कॉमन कर दिया, समीकरण 3 हो गया। तथा जब वाई के सापेक्ष करेंगे इसी प्रकार वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर एक्स वाई डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई 2 cos 2u माइनस 1 वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, समीकरण 4 हो गया, दोनों को जोड़ दिया। आपके पास क्योंकि x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई बराबर साइन 2u मार्क रखने आता है एक्स ए स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर बराबर cos 2u को साइन के पदों में तोड़ देंगे 1 minus 2u को 2 into 1 minus 2 sin a square u minus 1 into sin 2u। देखिए cos 2u का सूत्र होता है 1 minus 2 sin a square u, सरल कर देंगे बराबर 2 minus 4 sin ए स्क्वायर यू माइनस 1 इंटू साइन 2u बराबर 1 साइन 2u इंटू 1 माइनस 4 साइन ए स्क्वायर यू। अतः एक्स स्क्वायर डायल स्क्वायर यू डायल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर हैंस प्रूव्ड हो गया। आपको इतना ही आपको ये चीज सिद्ध करनी थी, ये आपकी प्रूव हो गई। दस मिनट है, छोटा सा और ले लें, एक छोटा सा और ले लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, यदि U बराबर tan इनवर्स, यदि U बराबर tan इनवर्स x की पावर एक बटे चार, x की पावर एक बटे चार, y की पावर एक बटे चार, x की पावर एक बटे पाँच, y की पावर एक बटे पाँच, तो सिद्ध करो के, सिद्ध करो के, करो के, सिद्ध करो के x डेल यू अपॉन डेल एक्स, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एक बटे बीस टैन यू। ये सिद्ध करना है आपको, एक बटे बीस टैन यू सॉल्यूशन है आपका। देखिए यू बराबर टैन इनवर्स एक्स की पावर एक बटे चार, वाई की पावर एक बटे चार, एक्स की पावर एक बटे पाँच, वाई की पावर एक बटे पाँच, या टेन यू बराबर एक्स की पावर एक बटे चार, वाई की पावर एक बटे चार, एक्स की पावर एक बटे पाँच, वाई की पावर एक बटे पाँच। ऊपर से क्या कॉमन लेंगे, एक्स की पावर एक बटे चार, एक्स की पावर एक बटे चार, वन प्लस वाई की पावर एक बटे चार, एक्स की पावर एक बटे चार, बटे नीचे से एक्स की पावर एक बटे पाँच इंटू वन प्लस वाई की पावर एक बटे पाँच, एक्स की पावर एक बटे पाँच, फलन बन गया। एक्स की पावर को ऊपर ले जाएंगे इसे, या टेन यू बराबर एक्स की पावर एक बटे चार माइनस एक बटे पाँच, वन प्लस वाई की पावर एक बटे चार, एक्स की पावर एक बटे चार, वन प्लस वाई की पावर एक बटे पाँच, एक्स की पावर एक बटे पाँच। ये बराबर हो गया एक्स की पावर एक बटे बीस इंटू वन प्लस वाई की पावर एक बटे चार बटे एक्स की पावर एक बटे चार, वन प्लस वाई की पावर एक बटे पाँच, एक्स की पावर एक बटे पाँच बराबर जेड के। मान लिया कि बराबर जेड, माना के उपरोक्त एक बटे बीस घात का उपरोक्त फलन, उपरोक्त फलन फलन एक बटे बीस घात का समघात फलन है, समघात फलन है। अतः आयलर प्रमेय से, अतः आयलर आयलर प्रमेय से, आयलर प्रमेय से, आयलर प्रमेय से x डेल z अपॉन डेल x, डेल z अपॉन डेल x, y डेल z अपॉन डेल y बराबर एक बटे बीस tan u, एक बटे बीस tan u।
तेरी। चलिए वो तो कोई गलत ना सवाल है सारा, तो ये गड़बड़ लिख दिया यार वहां। का तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई का मान ज्ञात करना, ज्ञात करना। अब देखिए जेड बराबर टैन यू डेल जेड एक्स तथा वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, अवकलन करने पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर सेक स्क्वायर यू डेल यू अपॉन डेल एक्स तथा डेल जेड अपॉन डेल वाई सेक स्क्वायर यू डेल यू अपॉन डेल वाई मान रखने पर, मान रखने पर एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एक बटे बीस साइन यू इंटू कॉस यू। सरल करेंगे मान रख के तो आपका आएगा एक बटे बीस साइन यू कॉस यू। यदि दो से ही गुणा कर दें इतना ही, ये आपका मान हो गया, यानी आंसर हो गया अब आपका एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। छोड़ो एक मिनट, कोई फर्क नहीं।